हाय हेलो, वेलकम टू दिया क्रिस्ट मॉम्स। तो मैं आज अपना जो कि लास्ट ग्रोथ स्कैन है, ये बेबी बॉय के स्कैन है, तो ये शेयर करने वाली हूँ। और ये क्यों करवाते हैं, क्योंकि आपका बेबी कितना बड़ा हो चुका है और जैसे कि वो डिलीवरी के लिए रेडी हो चुका है, ये सब देखने के लिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बेबी का वेट ये सब देखना ज़रूरी है, उसके चलते ये ग्रोथ स्कैन करते हैं। तो चलिए मैं अपना ग्रोथ स्कैन शेयर करती हूँ। अगर वीडियो आप लास्ट तक देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए पहले दिखा देती हूँ रिपोर्ट्स। तो ये देखिए USG ग्रोथ स्कैन विद डॉपलर है। तो ये देखिए सिंगल लाइफ जैसे कि प्रीवियस इसमें, तो फीटल एक्टिविटीज़ है, प्रेजेंटेशन सिपैलिक, जैसे कि बेबी का सर नीचे की ओर हो चुका था, मेरा प्रीवियस स्कैनिंग में भी हो चुका था, तो बेबी ऑलमोस्ट रेडी है बाहर आने के लिए। और प्लेसेंटा देखिए पोस्टरर अपर यूट्रेन सेगमेंट है, तो ग्रेड 2-3 मैच्योरिटी है। और आप देखिए ये जो है, जिसका बेबी का फ्लूइड जो पानी अंदर रहता है, तो वो नॉर्मल ही था मेरा। तो ये देखिए BPD 91 mm है, HC 331 mm है, तो ये सब 36-37 वीक्स के हिसाब से करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं। तो बेबी का फीटल हार्ट रेट जो है 142 बीट्स पर मिनट था, और गेसिंग एज 37 वीक्स 2 डेज का था प्रेगनेंसी तब तक के लिए। तो एक्सपेक्ट डिलीवरी डेट यहाँ देखिए यही गलती हो गया था, जो कि एक्सपेक्ट डिलीवरी डेट आगे 2/11/22 को, जैसे कि वो नवंबर को दिए थे, तब तक मेरा बेबी का वेट ऑलमोस्ट 3.5 केजीज के आसपास हो गया था। तो फीटल एक्सट्रीम्स आर पोली विजिबल ड्यू टू एडवांस, तो ये फीटल का जो भी पिक्चर्स है वो नीटली उनको दिख रहा था, तो इसीलिए यहाँ देखिए मुझे कोई भी पिक्चर इन्होंने नहीं दिया है। तो फीटल डोपलर के हिसाब से ये सब नॉर्मल ही था। ये देखिए नॉर्मल है, सिंगल लूप एंड कॉर्ड नोट, ये देखिए ये सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड नोटेड अराउंड फीटल नेक, जो कि जो कॉर्ड रहता है वो बेबी के गले में फंस गया था एक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि अब नॉर्मलिटी कुछ भी। स्कैन करवाते हैं कितना टाइम लेता है, 15-20 मिनट्स ही लगता है, मगर ये स्कैनिंग डिफ़िकल्टी बहुत डिफ़िकल्ट लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जब आप 36-37 वीक्स की प्रेग्नेंट होती हैं, तो 9 मंथ्स के बाद में आपको बहुत अनकम्फर्ट लगता है ऐसे सोने में, वो ऐसे ही सुला के जो स्कैन करते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, सांस लेने में दिक्कत है। तो वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर भी जो स्कैनिंग करती थी, वो जेंट्स था, तो उनको बता भी नहीं सकते, वो बहुत एंगेज का भी था मुझे लगता है। तो ये एक डिस्कम्फर्ट मैं बहुत फेस करी हूँ, और वहाँ से मेरा पेन शुरू हो गया था, जो कि मैं वहाँ आने के बाद में मैं अपने हस्बैंड को भी बोल चुकी थी मुझे थोड़ा अनकम्फर्ट लग रहा है, तो ये बोले नहीं आप वहाँ पे थोड़ा क्यों था, जो कि हम लोग को वेट करना पड़ा था बहुत देर के लिए, तो उसी हिसाब से आप रेस्ट नहीं मिला होगा शायद इसीलिए। तो दूसरे दिन हमें डॉक्टर के पास जाना था, जो कि हम लोग नहीं जा पाए, मैं मंडे जाऊंगी सोची थी, ये एक प्रॉब्लम था मेरे अंदर। और जैसे कि ये कितना कॉस्ट का, तो 2000 के आसपास था सब मेरा, 1900 कुछ था मेरा दोनों डोपलर और ये जो ग्रोथ स्कैन दोनों का चार्जेस। ये यूज़फुल है, हाँ तो मुझे तो लगता है यूज़फुल है, क्योंकि आप डिलीवरी के बिफोर अगर बेबी ही ऑलमोस्ट वेट के हिसाब से पूरा रेडी है, तो ही वो डॉक्टर आपको ग्रीन सिग्नल देंगे डिलीवरी के लिए। नहीं तो अगर बेबी का वेट कम रहा, तो अगर फ्लूइड ये सब आपका पानी जो लेवल है कम रहा, तो उसी हिसाब से बेबी को थोड़ा वेट होने के, बेबी अपने माँ के पेट में ही अच्छा बढ़ता है फ्रेंड्स, ये तो हर किसी को पता होगा, बाहर आने के बाद में उसका ग्रो बहुत स्लो हो जाता है, माँ के पेट में अच्छा ग्रो कर लेता है। तो जो भी अबनॉर्मलिटीज रहते हैं बेबीज़ में, जैसे ग्रोथ ठीक से नहीं हुआ है, तो उसीलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं पूरा हफ्ता लेने के लिए, और रेस्ट थोड़े लोग को बेड रेस्ट भी रिकमेंड कर देते हैं, तो ये हर किसी को पता होगा शायद। तो मुझे तो ये यूज़फुल लगा ग्रोथ स्कैन, मगर आप एक चीज़ बिल्कुल नेगलेक्ट मत करिए, जो कि आप जब पेन हल्का फुल्का भी पेन अगर 36 वीक के बाद में स्टार्ट हो रहा है, तो तुरंत अपने गायनिंग को दिखा लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपका कभी भी डिलीवरी हो सकता है। जैसे कि मेरा तो सही में पेन शुरू हो गया था जिस दिन मैं स्कैन करी थी, 14th था, जिसमें कि मुझे November 2 को डिलीवरी डेट उन्होंने दिया है, मगर वो उतना देर तक नहीं रुका था, दूसरे दिन ही मुझे पेन शुरू हुआ था, मैं लाइट ले ली थी, तो तीसरे दिन जो कि संडे था, उस दिन मैं आफ्टरनून खाना वाना खा के सो गई थी, मुझे पेन शुरू हो गया बहुत जोर का, तो मुझे बार बार टॉयलेट मोशन के हिसाब से जाना पड़ रहा था, जो कि बाथरूम नहीं आ रहा था, मगर आपको लगेगा मोशन जैसा पेन, मगर वो नहीं है, अजीब सा पेन था, बहुत
उठने में बैठने में बहुत दिक्कत हुआ था। तो मेरे जो नेबर हैं वो एक आंटी रहती है, वो आंटी बोले गर्म पानी बैक में डालो तो कम हो जाएगा पेन। तो थोड़ा रिलीफ लगा मगर वो पेन कम नहीं हुआ था, तो मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो देखे तो डिलीवरी का टाइम हो गया था। वैसे आप नेगलेक्ट मत करिए, क्योंकि आपको अगर पेन शुरू हो गया तो तुरंत हॉस्पिटल चले जाइए। तो ये डॉक्टर रिपोर्ट के हिसाब से आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको अगर पेन लग रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर को जाके कंसल्ट कर लीजिए, मेरा मानना है। और लेबर पेन जो है हर किसी का अलग अलग तरह का रहता है, तो मैं लेबर पेन के ऊपर मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी आगे। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। और जो बेबी बॉय के सिम्टम्स है, ये दो सिम्टम्स है इसमें, जैसे कि हार्ट अटैक और एक जो है ये प्लेजेंटा पोजिशन, मेरा जैसे कि प्लेजेंटा पोजिशन पोस्टेरियर है, तो ये आपको यूज़फुल लग सकता है। ये लास्ट मोमेंट के पॉइंट जान के भी फ़ायदा नहीं है मुझे लगता है, मगर जो भी है हेल्दी प्रेगनेंसी हो और हेल्दी बच्चा हो उतना ही हमारे माइंड में रहना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो अगर यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो के रिलेटेड अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछना भी मत भूलिए। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, बाय।